हे गाइस, वेलकम बैक। का स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। भाई आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई पूरी मारुति जिप्सी का वॉक अराउंड, और देखने वाले हैं भाई कैसी ये गाड़ी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फ्रंट से दिखाऊंगा भाई, फ्रंट से आप देख लो भाई ऐसी इसकी लुक है। फ्रंट से देखने में भाई एकदम बेसिक लुक है जैसी पहले आती थी मारुति जिप्सी। लगा लो भाई 1998 मॉडल है, तो उस हिसाब से लगा लो कैसी है भाई। वही आपको हैलोजन बल्ब मिलते हैं, यहाँ आपका भाई पूरा प्लास्टिक मिल जाता है। यहाँ आपको भाई वही पुराना मारुति का लोगो, ऊपर मारुति की बैजिंग। यहाँ भाई आफ्टर मार्केट लाइट डली हुई है भाई, नीचे भी लाइट डली हुई है। यहाँ आपको भाई वो मिल जाते हैं इंडिकेटर। भाई देखने में बेशक पुरानी गाड़ी लगती है, पर भाई लुक के मामले में तो आज भी कोई इसका जवाब नहीं। भाई इतना बड़ा बोनट मिल जाता है और आपको भाई इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है एकदम भाई मस्कुलर लुक 4x4 वाली। भाई मेरे को तो पर्सनल बताऊँ तो भाई मेरे को तो लुक इसकी बहुत ज़बरदस्त लगती है। कहीं से भाई लगती नहीं कि भाई पुरानी गाड़ी है एकदम, आज भी भाई इसकी लुक एकदम मस्त लगती है। और साइड की बात करूँ तो भाई आपको साइड में इंडिकेटर मिल जाता है। फिर भाई आपको फेंडर पे यहाँ बाहर निकला हुआ लगता है भाई, यही भाई देखने में बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगता है। इससे भी गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगती है, देख लो। और भाई साइड से कुछ देखने में कुछ ऐसी लुक है इसकी। भाई ये जो आप टायर देख रहे हो भाई, ये आफ्टर मार्केट टायर है 15 इंच के। इसमें भाई आपको 14 इंच के टायर मिलते थे कंपनी से, पर भाई 1 इंच बड़ा हुआ है इसमें और इसकी वजह से लुक बढ़ गई है। भाई मेरे को समझ नहीं आया भाई ये बोनेट पर जो स्पेस है भाई ये क्या होता है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में या इसका क्या पर्पस है। और ऐसी भाई यहाँ पे था, यहाँ भाई इन्होंने कवर लगा दिया। तो भाई मेरे को कमेंट बताना कि आपको भाई क्या है भाई, इसका क्या यूज़ होता है, मेरे को तो पता नहीं। और उसी के नीचे भाई आपको यहाँ पे जिप्सी किंग की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ आपको 1.3 लीटर का मिल जाता है। और भाई मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है भाई जिप्सी में भाई ये भाई हर चीज़ से आपको नज़र आएगा कि भाई कहाँ से जॉइंट हो रहे गए। जैसे कि भाई यहाँ पे देख लो बोनट के भाई जॉइंट मिल जाएंगे। आजकल की जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं भाई उनमें ये चीज़ नहीं मिलती। भाई देखने में अच्छी भी लगती है कि भाई किसी 4x4 गाड़ी में भाई ऐसी जॉइंट मिले तो भाई अच्छी भी लगती है देखने में। उसके बाद भाई इसका नीचे फुट रेस्ट मिल जाता है, यही भाई आफ्टर मार्केट है, इसकी वजह से भाई लुक बढ़ जाती है। और भाई साइड में बात करूँ तो यहाँ आपको भाई फ्यूल कैप मिल जाता है, वही भाई आपको नॉर्मल सा चाबी घुमाने वाला मिल जाता है। और भाई पीछे से लुक बताऊँ तो भाई पीछे से लुक भी एकदम मस्त लगती है। और भाई इसकी जो पूरी बॉडी है भाई ये फाइबर की, ऐसे नहीं है कि भाई आपको पूरी लोहे की दी गई हो। तो बताऊँगा भाई आपको कहाँ कहाँ से फाइबर मिल जाता है। यहाँ आपको भाई जिप्सी की बैजिंग मिल जाती है, उसके नीचे भाई आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है, बम्पर पर लाइट मिलती है आपको, साइड में नहीं मिलती। यहाँ आपको भाई पीछे स्पेयर व्हील मिल जाता है। तो भाई स्पेयर व्हील के चक्कर में भाई इसकी लुक बहुत बढ़ जाती है। अगर भाई नीचे होती तो भाई इतनी लुक नहीं होती, भाई स्पेयर व्हील ने बहुत लुक बढ़ा दी इसकी। और अब बताऊँ भाई आपको क्या क्या फाइबर का मिल जाता है। तो सबसे पहला भाई आपको बम्पर लोहे का मिल जाता है, उसके बाद जो भाई सी पिलर से लेकर भाई बी पिलर तक जा रहा है भाई ये ऊपर पूरा टॉप, ये भाई पूरा फाइबर का मिलता है भाई। ये लोहे गेट आपको लोहे के मिलते हैं, मतलब मेटल के मिलते हैं, आगे भाई आपको पूरा मेटल मिलता है। बस यही चीज़ है भाई, सी पिलर से लेकर पूरा ये ऊपर तक जा रहा है भाई ये फाइबर का मिलता है। क्योंकि भाई जिप्सी बहुत तरह के मॉडल में आती थी भाई, कन्वर्टेबल में बहुत तरह के में, तो इसकी वजह से भाई ये दिया गया है यहाँ पर आपको फाइबर मिलता है। और आपको भाई यहाँ गिलास छोटा मिल जाता है, विंड सील बात ज़्यादा बड़ी नहीं है। और यहाँ आपको भाई छोटे छोटे वाइपर मिल जाते हैं, एल्टो जितने वाइपर हैं, और यहाँ आपको भाई वो मिल जाता है वॉशर। और भाई साइड मिरर की बात करूँ तो भाई आपको बड़े बड़े मिरर मिल जाते हैं, पर भाई पूरा एडजस्टेबल है, वही अपने हाथ से ही करो, अंदर से कोई सिस्टम नहीं। तो भाई ये 1998 मॉडल है, तो भाई उस हिसाब से देख लो कि भाई आज भी इसकी लोग एकदम ज़बरदस्त है। अंदर से बात करूँ तो भाई अंदर से कैसी लगती है, और वही आपको भाई नॉर्मल से डोर हैंडल मिल जाते हैं, और यहाँ आपको भाई एंटीना मिल जाता है। और भाई डोर की बात करूँ कि कैसा डोर है, तो भाई देख लो बिल्कुल भाई सादा सिंपल सा डोर है, ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। और आपको यहाँ पे डोर पकड़ने के लिए मिल जाएगा, खोलने के लिए मिल जाएगा, और भाई विंडो के ऊपर नीचे करने के लिए। और यहाँ आपको भाई मिलता है एक रबर सी जिससे कनेक्ट है, तो जिससे आगे पीछे ना भागे। तो भाई देख लो ऐसी इसकी लुक है भाई, पतला सा डोर है, ऐसा कोई ज़्यादा मोटा डोर नहीं है, देख लो। तो भाई यही है बस नॉर्मल सी भाई 1989 के हिसाब से भाई सही है डोर आपको। हमारे उसमें भाई कुछ चीज़ नहीं मिलती थी, ना आपको पावर विंडो मिलती थी उस टाइम। और भाई सीट की बात करूँ तो आपको भाई नॉर्मल सी सीट मिलती हैं आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप सीट। और भाई सीट भी बहुत कंफर्टेबल है भाई, ऐसे नहीं है कि सीट एकदम टाइट हो, ऐसा कुछ आपको भाई इसका हैंडल मिल जाता है। और भाई मीटर के बारे में बात करूँ तो भाई ऐसी इसको आपको मीटर दी गई है। यहाँ आपको भाई फ्यूल का मिल जाता है, उसके बाद आपका टेम्परेचर, ऊपर आपका हाई बीम, और यहाँ आपको जो बीच में भाई यहाँ आपको सारे मीटर मिल जाएंगे, मतलब कि फ्यूल का और बैटरी सब का, ऊपर आपको इंडिकेटर। और भाई ऐसा कुछ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, जहाँ आपको भाई ऊपर किलोमीटर मिल जाएंगे, और भाई टॉप स्पीड उसकी 140 है। और ऐसी कुछ आपको इसकी डैशबोर्ड की लुक मिलती है, यहाँ आपको भाई हैंडल कैप मिल जाता है पकड़ने के लिए, ऊपर ही मिल जाता है भाई। और नीचे बात करूँ तो भाई यहाँ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, शायद ये आफ्टर मार्केट है। और नीचे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, और यहाँ आपको भाई पूरे एसी कंट्रोल मिल जाते हैं। भाई मेरे को समझ नहीं आया भाई कहाँ से कंट्रोल करते हैं भाई, यहाँ पर बटन ही नहीं है, शायद टूटे हुए हैं। यहाँ आपको भाई एसी मिल जाता है भाई, यहाँ भी देख लो चौबे लगे हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि भाई ऐसी एसी आती हो। और मिरर की बात करूँ तो आपको भाई खूब बड़ा मिरर मिल जाता है, उसी के ऊपर भाई आपको लाइट मिल जाती है। भाई मिरर में एक खास बात और है कि भाई आपको छोटा सा यहाँ पर कंपास भी दिया गया है, आप जाओ देखो, जैसे आप गाड़ी चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा भाई। ये आज की गाड़ियों में भी नहीं आता भाई, जहाँ 4x4 होती हैं भाई, इसमें देख लो भाई ये चीज़ ना मेरे को अच्छी लगी। भाई ऊपर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, ये भाई
सही है भाई, आपको बेकार से नहीं मिलते, चार ठीक ठाक हैं। और पीछे की बात करते हैं भाई, पीछे आपको ऐसा कुछ लुक दी गई है। अब भाई पीछे आपको भाई लेग स्पेस कम मिलता है, क्योंकि भाई देखो इतना ऊपर है भाई, हाइट देख लो उसकी बहुत कम है। यही भाई एक नेगेटिव है इसका बहुत बड़ा। पीछे चल कर देखते हैं भाई पीछे कैसी लुक दी गई है। और भाई आपको पीछे का डोर दिखाऊँ तो ऐसे कुछ आपको पीछे की डोर की लुक दी गई है, जहाँ आपको भाई पीछे का बेसिक सही मिलता है भाई। डोर भाई मोटा सा लगता है ऐसा देखने पीछे का। भाई देखो यहाँ भाई ज़्यादा स्पेस दी गई है, यहाँ आपको भाई छोटी स्पेस दी गई है यहाँ आपको खोलने के लिए। और इसकी बात करूँ तो भाई देखो यहाँ पे भाई आपको लेग के लिए स्पेस कम मिलता है। अगर मैं बैठ के बात करूँ तो भाई स्पेस कम है भाई, पैर ऐसा लगता है भाई पैर आपके बहुत ज़्यादा ऊपर हो, तो भाई पैर के लिए तो स्पेस नहीं है। और देख लो भाई कितना ऊपर है मेरे पैर, तो भाई ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए जब सही था। पीछे से भाई ऐसी उसकी लुक है, और ऊपर देख लो यहाँ आपको भाई लाइट मिल जाती है। एक भाई आपको छोटी लाइट भी दी गई है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ऐसे आप घुमा सकते हो। पीछे भाई आपको स्पेस मिल जाता है, अब तो भाई इसे पूरे CNG में तो इसलिए ढकी हुई है। और पीछे भाई आपको लाइट भी दी गई है यहाँ पे भी। तो आग डैशबोर्ड की बात करूँ तो भाई ऐसा इसका डैशबोर्ड लगता है पीछे देखने में। तो भाई 1989 के हिसाब से लगाऊँ तो भाई डैशबोर्ड भी अच्छा है भाई, सब चीज़ अच्छी है। और अब बात करूँ भाई इसके पीछे के लुक के बारे में, पीछे क्या क्या दिया गया है, पीछे आपको कितना स्पेस मिल जाता है। तो भाई पीछे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, और ऐसी कुछ आपको भाई इसके पीछे की स्पेस दी गई है। अगर भाई स्पेस की बात करूँ तो भाई बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है भाई। अब तो CNG लगी हुई है तो भाई इसके चक्कर में इसका स्पेस घिरा हुआ है, वरना भाई आपको स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। यहाँ आपको भाई लाइट भी मिल जाती है, यहाँ भी आपको भाई साइड में छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। और पीछे से भाई ऐसा इसका डोर है देख लो भाई, तो भाई एकदम बढ़िया भाई गाड़ी में भाई डोर भी वजनदार है पीछे का। और भाई इसमें एक चीज़ जो मुझे अभी पता चली है कि भाई इसमें आपको यहाँ पर स्पीकर दिए गए हैं भाई अंदर, बहुत भाई स्पीकर भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई बोनट खोलने के लिए कहाँ से लीवर खोलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको एक तार सा दिया गया भाई, ये भी मेरे को लगता है भाई वायर बांधने के लिए। भाई मेरे को लीवर मिल ही नहीं रहा भाई बोनट खोलने का, पता नहीं चल रहा भाई इसका लीवर कहाँ पे है। तो भाई यही था इसका कुछ वॉक अराउंड गाड़ी का। तो भाई ऐसी कुछ आपको 1998 मॉडल जिप्सी लगती है। बोनट तो मैं भाई इसका खोल नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरे को लीवर ही नहीं मिला भाई बोनट खोलने के लिए। तो भाई ऐसी इसकी कुछ लुक है भाई 1989 मॉडल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई 1K होने वाले हैं भाई बहुत जल्द, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।